हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिताज मैजिकल व्यूज। आज हम बात करेंगे इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में। ये भी बहुत ही इजी है ग्रो करने में और इसमें भी कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्लांट का नाम है डेविल्स बैकबोन। बहुत ही प्यारी पत्तियों वाला प्लांट है। इसमें आप देखिए दोनों तरफ से लीव्स होती हैं। इसकी बनावट स्पाइनल कार्ड यानी बैकबोन की तरीके होती है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ से लीव्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये देखिए इसकी लीव्स आप। इसमें दोनों तरफ से ही लीव्स होती हैं। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन होती हैं। ये पीडिलेंथस फैमिली का प्लांट है। इसकी स्टेम अगर तोड़ते हैं तो उसमें एक सेप निकलता है और जो भी प्लांट सेप प्रोड्यूस करता है उसे लगाना बहुत ही इजी होता है। ये प्लांट भी सेप प्रोड्यूस करता है। अब भी मुझसे इसमें एक स्टेम इसकी टूट गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो ये स्टेम टूट गई है तो इसमें ये सेप निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये है सेप। इसमें एकदम मिल्क जैसा हल्का सा होता है, वाइट वाइट। और इसमें जो भी प्लांट्स मैंने बताया ना, जो भी प्लांट्स है वो आपको सेप प्रोड्यूस करता है तो उसे लगाना बहुत ईजी होता है। इसकी ये जो स्टेम उससे टूटी थी, ये देखिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टेम उससे टूट गई थी तो इसको बस कुछ नहीं करना है। इसको मुझे बस किसी चीज़ की मदद से लकड़ी ले लें या उंगली से ही थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं। ये बहुत ही आराम से लग जाता है। इसको जहाँ पे लगाया है वहाँ पे थोड़ा सा इसको मिट्टी को थोड़ा सा बिल्कुल दबा देना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना। ये बहुत आसानी से लग जाता है। इजी टू ग्रो प्लांट है एंड इजी टू केयर भी है ये। इस प्लांट की कटिंग लगाने पर ये प्लांट बिना रूटिंग हार्मोन के भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है और ये बहुत ही अच्छा प्यारा प्लांट है। इसकी लीव्स दोनों तरफ से होती हैं, यानी लीव्स ऑन बोथ साइड ऑफ स्टॉक होती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जब टॉप सॉइल ड्राई हो तभी आप इसमें पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट को आप ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें पानी भरा ना रहे, मतलब पानी ड्रेन होता रहे, क्योंकि पानी अगर भरा रहेगा मिट्टी में तो इसकी रूट जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। प्लांट आपका ज़्यादा दिनों नहीं चल पाएगा। और अगर आपके प्लांट्स में स्पाइडर माइट्स या कीड़े वगैरह लग गए हों तो उसे नीम ऑयल या किसी लिक्विड सोप से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्लांट की प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। इस प्लांट को आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। इसको आपको बस कहीं से भी स्टेम्स की कट करनी है और इसको लगाना है। मैंने आपको इसे लगाकर भी बताया था, ये वाला जो है ना पार्ट, अभी मैंने इसको लगाया है और ये बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। काफ़ी दिनों चलने वाला प्लांट है। ये प्लांट जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और इसकी जो स्टेम्स हैं दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। डार्क ग्रीन कलर का ये प्लांट है। इसकी स्टेम आप देखिए बहुत बिखरी बिखरी हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं दिखने में। ये आप देख सकते हैं। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो कभी कभी इसमें गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बस इस प्लांट्स को किसी चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आप ओवर वाटरिंग ना करें, इतना ही काफ़ी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।